तो भाई साहब मेरे पास इस टाइम अवेलेबल है वीवो का IQ Z6 Pro। तो क्विकली हम इसके इनबॉक्स कंटेंट देख लेंगे, इसके अंदर क्या क्या दिया है। अनबॉक्सिंग तो मैंने पहले ही कर ली है, इनबॉक्स कंटेंट मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर में क्या दिया है। तो बॉक्स के अंदर हमें देखने मिलेगा मोबाइल यूनिट जो मैंने ऑलरेडी निकाल के बाहर रख दिया है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट। ओके, आपको मिलेगा उसके अंदर चार्जर जो कि काफ़ी हैवी चार्जर है, 66 वाट का आपको चार्जर इसके साथ देखने मिलेगा। ओके, और चार्जिंग केबल आपको साथ में मिल जाएगा और सिम ट्रे इजेक्टर, ओके, वो आपको इसमें मोबाइल में देखने मिल जाएगा इनबॉक्स कंटेंट में। तो गाइज अब हम आ जाते हैं हमारे मेन यूनिट की तरफ। आप देख सकते हो कुछ बैक साइड से आपको ऐसा देखने को मिलेगा, लिटिल बिट ब्लूइश ब्लैकिश आपको टेक्सचर देखने मिलेगा कलर का। फिनिशिंग जो दिए है मैट फिनिश दिए है आपको बैक साइड में मोबाइल की। कैमरास की बात करें तो आपको 3 मेन कैमरा दिखेंगे विथ ड्यूअल फ्लैश, 1 मेन कैमरा विथ 64 MP, और जो दूसरे जो 2 सेकेंडरी कैमराज है वो आपको 8 MP और 2 MP के ऐसे देखने मिलेंगे। राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर और ऑन ऑफ स्विच देखने को मिल जाएगा। वही बॉटम में आपको एक स्पीकर देखने को मिलेगा, चार्जिंग यूनिट आपका यहाँ लगेगा और सिम ट्रे इजेक्टर। मेरे पास जो यूनिट अवेलेबल है वो 8 GB RAM और 128 GB का आपका इंटरनल मेमोरी वाला यूनिट है, जिसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 778। इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा प्रोसेसर दिया है, किलर प्रोसेसर है और गेमिंग का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको इस 778 प्रोसेसर में मिलेगा। ऑनलाइन आप शॉपिंग करने जाओगे तो आपको अराउंड 25K के आसपास आपको उसका प्राइस पड़ने वाला है, जो कि मैंने डिस्काउंट में लिया था तो मुझे अराउंड 21K पड़ा है। तो चलिए गाइज हम इन डिटेल एक एक चीज़ मोबाइल की देख लेते हैं। पहले मैं आपको मोबाइल का ऑन करके दिखा दूँ उसके अंदर आपको कैसे दिखने वाला है। स्क्रीन की बात करें तो हम इसके अंदर आपको AMOLED स्क्रीन मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी व्यूइंग आपको एक्सपीरियंस देता है। टोटल जो ब्राइटनेस है आपको 1300 nits का ब्राइटनेस आपको देखने मिलेगा, तो यानी आप कड़ी धूप में भी जाओ तो आपको काफ़ी अच्छा इसका व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। मोबाइल के अंदर में ब्लॉटवेयर थोड़े बहुत दिए हैं जो कि आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बात है। मैंने मोस्टली जो ब्लॉटवेयर थे सब अनइंस्टॉल कर दिए। रिफ्रेश रेट की आप बात करो तो इसके अंदर 90 Hz का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा, जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको देता है। और ऑलरेडी इसके अंदर में स्नैपड्रैगन 778 प्रोसेसर है तो गेमिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है मोबाइल के अंदर में। स्क्रोलिंग और बाकी अब एक्सपीरियंस की बात करो तो देखिए काफ़ी स्मूथ स्क्रोलिंग और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको देता है ये। ड्रॉप डाउन में विंडो में भी आपको दिखा दूँ मैं ज़रा, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिए हैं ड्रॉप डाउन विंडो में, आप चेक कर सकते हो। गेमिंग के लिए भी आपको अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, जैसे अल्ट्रा गेम मोड, मॉन्स्टर मोड, ऐसे अलग अलग मोड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसके अंदर एक कूलिंग चैम्बर दिया है जिसके कारण ये मोबाइल चार्जिंग के टाइम भी और गेम खेलते टाइम भी हीट नहीं होता है, तो गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलने वाला है आपको इस मोबाइल में। टोटल बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो आपको इसके अंदर में 4700 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि एक दिन की आपको डिसेंट यूज़ के लिए काफ़ी अच्छी है। तो ऑलमोस्ट आपको एक 7-8 घंटे का स्क्रीन टाइम ये इजीली निकाल कर दे देगा। कैमरे में अगर हम बात करें तो 64 MP का मेन कैमरा और 2 सेकेंडरी कैमरा आपको 8 और 2 MP का देखने के लिए मिल जाएगा। इसका सबसे बेस्ट फीचर अगर मैं आपको कैमरे में सजेस्ट करूँ तो सेल्फी कैमरा है, जो कि 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया है। काफ़ी अच्छी पिक्चर्स सेल्फी कैमरे से आती है, कलरिंग डिटेलिंग काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो इसका बेस्ट प्लस पॉइंट है इस मोबाइल का कैमरे में वो है सेल्फी कैमरा। 64 MP का आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया है, बट उसमें कलर सैचुरेशन और जो आप डिफरेंट आप एंगल्स बोलते हो कलर के, वो आपको इतने खास नहीं दिखेंगे, तो इस चीज़ में थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं। आपको कैमरों के एक दो मैं सैम्पल दिखा देता हूँ तो हो सकता है उससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। तो गाइज आप देख सकते हो यह है इसका मेन कैमरे से लिया हुआ एक इमेज। कलरिंग डिटेल इतना खास मुझे कुछ ऑब्जर्व नहीं हुआ इसके अंदर में, आप देख सकते हो। और वही मैं इसका एक सेल्फी आपको इमेज दिखाता हूँ। ये देखिए गाइज, ये है एक सेल्फी इमेज जो मैंने ली थी, इसमें प्रॉपर डिटेलिंग आपको काफ़ी अच्छे से देखने मिलेगी और सेल्फी कैम जो है इसका काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छी है इसकी सेल्फीज आती है इस कैमरे में। ये देखिए, ये है एक मेन कैमरा का लो लाइट इमेज जो अराउंड मैंने 7 PM के आसपास लिया था, थोड़ा बहुत अंधेरा होते आया था उस टाइम पे, उस टाइम का ये इमेज है मेन कैमरे का। और सेल्फी कैमरे का मैं आपको इमेज दिखा दूँ, ये एग्जैक्ट उसी टाइम का सेल्फी कैमरे का इमेज है, तो आप दोनों इमेज में डिफरेंस देख सकते हो सेल्फी कैमरा कितना अच्छा इसका काम करता है। बाकी चीज़ों की तो हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस और मोबाइल के साउंड की। गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए मैं आपको BGMI अलग से खेल के आपको एक वीडियो डाल के बता दूंगा, तो आप उसमें चेक कर सकोगे कि इसका गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है।
और अब हम बात कर लेते हैं मोबाइल के साउंड की। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो चला के दिखाता हूँ मेरा, तो आप उसे शायद गेस कर पाओ कि उसका साउंड कैसा है। मैं गेम लाइव स्ट्रीमिंग भी करता हूँ, तो एक लाइव स्ट्रीमिंग किया हुआ गेम ही मैं आपको चला के दिखा देता हूँ साउंड के लिए, तो शायद हम इसमें इसका साउंड गेस कर पाए कैसा चलेगा। साउंड के इसके अंदर मैं आपको एक ऑप्शन बता दूं, इसके अंदर में आप ओवर एंड अबव द लिमिट भी साउंड बढ़ा सकते हो। साउंड आपका 150% के आसपास आप ले जा सकते हो। इसके अंदर मैं आपको बढ़ा के दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको एक राइट साइड में ऑप्शन दिख रहा है जो कि बता रहा है कि आपका साउंड 100% से ज़्यादा 150% अभी बढ़ गया है। तो चलिए हम इसका साउंड सुनने का ट्राई करते हैं। वीडियो क्वालिटी भी आप देख सकते हो मोबाइल के अंदर कैसे दिखने वाली है आपको। मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। तो चलिए गाइस, मोबाइल ने तो आपका अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया, व्यूइंग एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा मिल गया, सब अच्छा मिल गया, लेकिन चार्जिंग कितनी देर में होगा? 66 वाट का चार्जर है, तो इसका आपका चार्जिंग जो टाइम है आपको 40 से 50 मिनट के अंदर आपको ये 0 to 100% का चार्जिंग दे देगा, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया गया है। तो बाहर में भी मैं आपको इसका एक मोबाइल आपको चला के दिखा देता हूँ कि आपको स्क्रीन आपका जो है सनलाइट में कैसे दिखने वाला है। तो आइए चलिए बाहर दिखाता हूँ मैं आपको इसका कैसा दिखेगा। तो ये है हमारे मोबाइल का सनलाइट के अंदर का एक्सपीरियंस। अभी ऑलरेडी थोड़ा सनलाइट कम है क्योंकि बादल है, तो सनलाइट ऑलरेडी थोड़ा कम है, तो हो सकता है आपको काफ़ी अच्छा दिखे, लेकिन सनलाइट में भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा देगा आपको ये। तो गाइज, आपको ये ओवरऑल अनबॉक्सिंग कैसी लगी और रिव्यू मोबाइल का मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। थैंक यू गाइज़।